दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों अभी जो सामने मोबाइल देख रहे हैं तो ये मॉडल नंबर आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल मेरे एक सब्सक्राइबर का है और ये मेरे सब्सक्राइबर जो है इस मोबाइल को MI अकाउंट समझ करके इसका MI अकाउंट अनलॉक कर रहा था बार बार, और इसका जो MI अकाउंट इसमें था नहीं, इस मोबाइल के अंदर में था गूगल अकाउंट, ठीक है। तो गूगल अकाउंट जो है MI अकाउंट से अनलॉक नहीं होता है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे हैं और अंत तक देख ले वीडियो को, और आपको अच्छी तरह से मैं आपको समझा देता हूँ कि इस मोबाइल का जो है आप जो है FRP लॉग यानी गूगल अकाउंट को जो है किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस मोबाइल का FRP रिमूव करने के लिए आपको जो है इसे ईडीएल मोड में लाना होगा, और मोबाइल को जब आप ईडीएल मोड में लाएंगे तो उसके लिए आपको टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना होगा मोबाइल का, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल के अंदर में इस तरह का प्रॉब्लम है और इसमें जो है गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है, तो इसका जो आपको पहले टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना होगा मोबाइल का। जैसे यहाँ आप टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करेंगे बैटरी कंटर निकाल करके, उसके बाद डाटा केबल लगाएंगे, ईडीएल मोड आ जाएगा, और जब ईडीएल मोड आ जाएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर का कंप्यूटर है ये, और इसमें ईडीएल मोड यहाँ पे जो है आ चुका है। अब इसका जो हम यहाँ से जो है गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी फाइल टूल में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से डायरेक्टली जो है आपको MI अकाउंट अनलॉक यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से आपको जो है सिर्फ आपको रिसेट FRP कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल यहाँ पे बूट करेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा, उसके बाद FRP यहाँ से रिसेट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब आप इसका FRP रिसेट कर देंगे इस टूल से, उसके बाद जब आपका मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, तो मोबाइल ऑन होने के बाद आप मोबाइल के अंदर में जाएंगे और मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाकर के एक बार वहां से जो है आप जो है उसका फैक्ट्री डाटा को जो है एक बार रिसेट कर देंगे, ठीक है। और ये रिसेट आपको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मोबाइल में जो कोई इंटरनल मेमोरी जो है उसका स्पेस अगर कम होता है वो ऑटोमेटिकली जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल का जो है FRP लॉग यहाँ से जो है अनलॉक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ये मोबाइल, ये वही मोबाइल है और इस मोबाइल का जो FRP जो है यहाँ पे अनलॉक हो चुका है और मेरे सब्सक्राइबर इस मोबाइल का जो है यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।